रायगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है, तो वहीं राज्य सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री की ओर से अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायतों को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इसके साथ ही वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन कर वन अधिकार पत्र भी दिए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी का दायरा बढ़ाने के साथ साथ कीमतों में भी वृद्धि की गई है। शासन की योजनाओं से अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार सृजन किए जा रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य सुपोषण के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है।